अब वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। लाडू, लाडू, तू ठीक है ना? मैंने बहुत बुरा सपना देखा, समझता कहाँ है? देख लाडू, जब इंसान कमजोर हुए हैं ना, तो मन में ऐसे ख्याल आते हैं। हर को पता है, तू बेहोश हो गई थी, गिर गई थी। सब कुछ ठीक है, तू आराम कर। दादी साहब, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मुझे जाना होगा। नहीं लाडू, तू फिक्र मत कर, कुछ बुरा ना होगा। तू आराम कर, आराम कर, मैं समर को फोन करती हूँ। समर का फोन बंद है, कोई बात ना है, मैं मून को पूछती हूँ ना, कटे गया है वो। हाँ, तू आराम कर, चल। चकोरी। हाँ। बहुत बुरी खबर है। क्या? अरे हमारे भेजे हुए गुंडे समर और मेनका की शादी रुकवा ना पाए। अरे समर ने मार मार के उनको भगा दिया वहां से। समर, तेरी इतनी हिम्मत, और तुझे कहा था ये शादी किसी भी हालत में रोकनी होगी, तो क्यों नहीं कर पाया तू? और तेरे गुंडे रोक क्यों नहीं पाए? अरे समर नहीं भगाया उनको, अब तक तो शादी हो भी चुकी होगी। पूछने आई थी कि समर कठे है, इतने साल को जरूरत है उनकी, और मैं सुन कह रही हूँ कि समर दूजा बिहार अचाने जा रहा है। पड़ गई ठंडक थारे कलेजे में, रसाल की जिंदगी बर्बाद करके। ये थप्पड़ ना मुझे नहीं, अपने पोते को मारना चाहिए। इस घर में सिर्फ मुझे पता था कि समर और मेनका शादी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेनका समर की प्रेमिका है, और मैं इस शादी को रोकने की कोशिश कर रही थी, ताकि रसाल को इस हालत में ये दिन ना देखना पड़े। तो ये जो थप्पड़ है ना, मुझे नहीं, अपने पोते को मारी है। हिम्मत है, ये के अनर्थ हो गया। रसाल को जब पता चलेगा कि समर दूसरी शादी करने जा रहा है, तो उसको कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा। मुझे उसे इस खबर के लिए तैयार करना पड़ेगा। पता नहीं अब क्या होगा मुंह,
सब बर्बाद। माना मुझसे नाराज है शिवा, पर ऐसा भी क्या है? साल की इतनी तबीयत खराब है, उसे भी इस मौसम में अकेला छोड़ के चला गया। फोन भी नहीं उठा रहा है, साल का भी फोन नहीं उठा रहा है। हाँ, और तुम शिवा,